नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत कुछ ऐसी खबरों के साथ जिन्हें जान आप हो जाएंगे हैरान। बीते दिन कारगोदाम क्षेत्र में भीमताल पुल से आगे जंगल में आग लगने पर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर टीम और कारगोदाम पुलिस को मौके पर भेजा गया, जिसमें अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें, इस घटना में एक बाइक भी जलकर स्वाहा हो गई। यही नहीं, जिसके चलते एसएसपी नैनीताल की ओर से नदी में उत्पात मचा रहे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने के निर्देश पर कारगोदाम पुलिस टीम ने नदी में नहा रहे और उत्पात मचा रहे 32 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की। बता दें, मौके पर नहाने वालों जिनके पास वाहन के कोई वैध कागज ना होने पर दो पहिया वाहन भी सीज किए गए। साथ ही उत्पात बचाने वालों के 20 दो पहिया वाहनों मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई भी की गई। उधम सिंह नगर के विकासखंड जसपुर के गांव रामजीवनपुर में हाईस्कूल और इंटर के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करना एक शिक्षक को भारी पड़ गया, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरेंद्र कुमार मिश्रा ने जांच के बाद आरोपी शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बर्खास्त शिक्षक बीते 24 साल से राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामजीवनपुर में सहायक अध्यापक पद पर तैनात था। बता दें, उत्तराखंड के जिला उधमसिंह नगर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामजीवनपुर में जसपुर निवासी हरगोविंद सिंह की तैनाती 2000 में हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक हरगोविंद ने नियुक्ति के दौरान हाईस्कूल इंटर और अदीब कामिल जामिया उर्दू अलीगढ़ के प्रमाण पत्र लगाए थे, जिसके बाद फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने की शिकायत कुछ लोगों ने विभाग से की थी और विभाग से जांच की मांग की, जिसमें जांच में आरोपी शिक्षक के हाईस्कूल और इंटर के प्रमाण पत्र फर्जी मिले। पहले से फड़वालों की समस्या झेल रहे नैनीताल शहर में ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ यह हमेशा की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में बाहरी लोग यहां फड़ लगाने की चाहत में पहुंच गए हैं। इसके चलते वो यहां सड़कों के किनारे फड़ और खोके लगाकर पर्यटकों की आवाजाही को बाधित ना कर पाए और नगर में अव्यवस्था ना फैला पाए, इसलिए प्रशासन ने 50 PRD जवान तैनात कर लिए हैं। जी हाँ, ये जवान फड़ वालों को फड़ लगाने नहीं देंगे। यही नहीं, इसके संबंध में बीते दिन से प्रशासन ने अभियान भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत यहां दुकान के बाहर फैली सामग्री और अतिक्रमण पर संबंधित के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। फिलहाल इन खास खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जे न्यूज। धन्यवाद।